करने का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम जा रहे हैं सिंकरीन बीच, अगोड़ा फोर्ट और काफी सारी प्लेसेस के ऊपर जाएंगे, देन हम वाटर स्पोर्ट भी करेंगे, तो व्लॉग में बने रहिए। तो चले चलते हैं हम यहाँ से। हम सब रेडी हो चुके हैं, आज का जो हमारा कॉस्ट्यूम है वो हमने सबने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और सबने बीच वाली शर्ट टी शर्ट पहनी हुई है। तो चलो चलते हैं। तो ये हमारी होटल है, हम आपको नाइट का व्यू दिखाया था। यहाँ पे काफ़ी सारे बीच रिसोर्ट है। ये हमारी होटल है सनराइज बीच रिसोर्ट करके, जो कैंडी डैम के अंदर है। यहाँ पे भी इसी होटल के अंदर ही हमारे को प्राइवेट स्कूटी अवेलेबल मिलती है, जिसका चार्जेस ओनली 300 रुपीज़ है। तो हम यहाँ से स्कूटी लेंगे, देन हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये हमारे जो होटल है उसी का ये पूरा है चार्ट। यहाँ पे इनके थ्रू भी हमारे को सारे स्पॉट्स अवेलेबल रहते हैं। आप यहाँ पे ग्रैंड लैंड ट्रिप पे भी जा सकते हैं, आइसलैंड के ट्रिप, जो से ओनली 1800 पर पर्सन है। और बाकी आप यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स है वो भी कर सकते हैं। ये फसिनो लिए यहाँ पे, जिसका चार्ज ओनली 300 रुपीज़ है। तो ये हमारी फसिनो जो हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, इसका ओनली चार्ज 300 रुपीज़ है। और दूसरी वाली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, इसका नंबर भी काफ़ी बढ़िया है, 0146। तो ये एक और हमने फसिनो लिए, जिसका नंबर है हमारा 0147। ओह, तो चलो हम चलते हैं। कम टू दुबई। ये फसिनो ले लिए, जिसको लेके हम जा रहे हैं घूमने के लिए। आप देख सकते हैं हम सामने कैमरे में दिख रहे हैं। तो चलो हम चलते हैं सीधा। तो हम अगोड़ा फोर्ट बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ से जी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर और बचा है। आप लोग देखिए यहाँ का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। तो हमने यहाँ पर्ची कटवाई है अगोड़ा फोर्ट के लिए। कितना चार्ज है भैया? 50 रुपीज़ पर चार्ज व्हीकल के लिए। तो हम यहाँ से चल रहे हैं आगे अगोड़ा फोर्ट के लिए। मेरी जान वाली आइए। हाँ जी, कितना आए टू माय ब्लॉग, साइड टू माय ब्लॉग गाइस, यू गो अपन गाइस। हम अगोड़ा फोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये अगोड़ा फोर्ट का क्या है भाई, ये है लाइट हाउस। चलो चलते हैं अंदर। इसका भी टिकट है। क्या चार्ज है सर टिकट का? 20 रुपीज़ ही चार्जेस है यहाँ पे टिकट का। ये हम अगोड़ा फोर्ट के लाइट हाउस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से हमारे को सामने की तरफ से जाके सी दिखेगा। तो अब हम लाइट हाउस पहुँच चुके हैं, अब जा रहे हैं हम ऊपर की ओर। तो यहाँ से ऊपर चल के देखते हैं भाई कितना ऊँचा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है। और ऊपर चलते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ ऊपर बिल्कुल आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारे को ये पूरा समुंदर दिख रहा होगा आपको। ये आगे की ओर एक आइलैंड भी है। तब ऊपर की ओर हमारे को यहाँ से क्लाइम करते हुए जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। आओ नी जी। तो ये दिखने में तो पुराना, बहुत पुराना हमारे को लाइट हाउस दिख रहा है। यहाँ पे इसके जो लाइट करने के लिए जो लिखते हैं, यहाँ पे ग्लास भी लगे हुए हैं इसके अंदर, लाइट भी अंदर की ओर है। तो चलो हम बाहर से प्यारा व्यू देखते हैं इसका। लाइट हाउस के बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। ये हमारा पूरा टॉप है लाइट हाउस का, और आप देख सकते हैं ऐसे कितना प्यारा व्यू आ रहा है पूरा। हम जहाँ तक दिख रहे हैं हमारे को पूरा का पूरा समुंदर दिख रहा है। हम उस तरफ से आए हैं, वो आपको बाघा बीच दिख रहा होगा पूरा। ये अगोड़ा फोर्ट है जो हमारे कैंडुलम से 9 किलोमीटर और बाघा बीच से पूरा 12 किलोमीटर पड़ता है। हम उसके सेंटर में, तो हमारे को 11 किलोमीटर समथिंग पड़ा है। उधर का भी व्यू दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा अगोड़ा फोर्ट है जो हम चलेंगे वहाँ पे। यह फोटोग्राफी ली जा रही है।
सब हम लाइट लैम्प से जाएंगे सीधे सामने की ओर, जो अगवाड़ा फोर्ट आप लोगों को दिख रहा है, तो ये पूरा अगवाड़ा फोर्ट का व्यू है। अब हम नीचे जाके देखते हैं किस अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ से हम चलते हैं नीचे की ओर। नीचे जाने के लिए हमको झुक के जाना पड़ता है। ये ऑफिस ही दिखाता हूँ, ये पूरा लाइट लैम्प है जो जनरली शिप्स को डायरेक्शन दिखाने का काम आता है या उनकी रखवाली करने का काम आता है। तो यहाँ से हम चलते हैं नीचे। तब हम अगवाड़ा फोर्ट पहुँच चुके हैं। आप यहाँ का बोर्ड देख सकते हैं, वहाँ से हमारी एंट्री है। तो वहाँ से हम चलेंगे अगवाड़ा फोर्ट के लिए अंदर की ओर। तो अगवाड़ा फोर्ट में जाने के लिए हमने यहाँ पर टिकट काउंटर से टिकट ले ली। तो हमने चार टिकट लिए, जिसका एक का प्राइस है 25 रुपीज़। तो हमारी ये चार टिकट है। तो हम चलते हैं अंदर की ओर। जस्ट गेट से एंट्री करते हैं, लेफ्ट के अंदर हमारा टिकट काउंटर है। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक के थ्रू चेक किए जाते हैं। ये किला हमारा अगवाड़ा फोर्ट में एंट्री कर ली है। ऐसे थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आगे की ओर हमारा अगवाड़ा फोर्ट है। मैप लगा हुआ है, फोर्ट में एंट्री कर रहे हैं। काफी सारे टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे। और जैसे फोर्ट के चारों ओर जो सिक्योरिटी के लिए जो बनाई हुई रही थी कैनल्स, ये पूरी कैनल्स बनी हुई है। पहले टाइम में इसके अंदर पानी भर के मगरमच्छ इनको छोड़ दिया जाता था। इसमें ऊपर की ओर चलेंगे हम। हम इसमें ऊपर की ओर आ चुके फोर्ट के अंदर। यहाँ से स्टेयर्स के थ्रू हम आए। ये पूरा फोर्ट है, वहाँ से लेके यहाँ तक। और ये पूरा गोवा का सी है। और वो सामने वास्को डी गामा एयरपोर्ट है, जो लैंड का नाम ही वास्को डी गामा दिया हुआ है। यहाँ पे ये पूरा बनाया हुआ है। और वो सामने की ओर लाइट लैंप पे हम जाके आए थे पहले, अभी कुछ काम चल रहा है। तो हमने वहाँ से स्टार्टिंग करी थी एंड से, और हम आ चुके हैं अब इस तरफ। ये चारों ओर पूरा पाथवे बना हुआ फोर्ट के। अब हम इसके नेक्स्ट कोने पे पहुँच चुके हैं। और अभी वाला जो हमारा एंड था, वो वाला एंड था, वहाँ से हम आ चुके हैं इस एंड के ऊपर। अब इसका सिर्फ लास्ट एंड बचा है, हम वापस हम बिगनिंग वाले पॉइंट पे जाएंगे। तो अब हम इसके लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं यहाँ पे। इसके आगे कोई पाथवे नहीं है जो इंटरकनेक्ट है फर्स्ट वाले बिगनिंग से। वहाँ से हमने बिगनिंग करी थी स्टेयर से चढ़ के, देन हम उस वाले पॉइंट पे गए थे, देन हम इस वाले पॉइंट पे आए। अब यहाँ से हम देखते हैं कि समुद्र का क्या प्यारा व्यू आता है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है पूरे समुद्र का यहाँ से। ये पूरी खाई है नीचे की ओर। और ये रहा हमारा लाइट हाउस ऊपर वाला। तो अब हम उस पॉइंट से वापस घूमते हुए आए हैं। अब जब जा रहे हैं हम नीचे के लिए, ऊपर आने के लिए हमने ये वाला पाथ लिया था। अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। नीचे के ये जेल बताते हैं, काफ़ी टाइम से ये जेल बंद है, क्योंकि दो तीन लोग गए थे जो वापस ऊपर नहीं आए थे, तब से ये जेल बंद है। और हमारे को स्कूटी लेकर आनी चाहिए थी यहाँ पे। क्यों? उसके लिए आप एक बार यहाँ पे आइए और आपको पता लगेगा। हाँ भाई, दिख रहा है भाई, ये के देखो यहाँ से खाना डाला जाता था, जहाँ पे अब हम मनीष जी को एक दिन के लिए छोड़ेंगे और 1 करोड़ का प्राइस देंगे मनीष जी को। ये है काले पानी की सजा से भी सजा ही है ये। एक एक बार आईलैंड पे छोड़ देते ना काले पानी से जा। ये पूरा नीचे तक इसके अंदर लोगों को छोड़ दिया जाता था। काफी सारे बने हुए हैं ये, और बीच में ये इसका सेंटर पॉइंट है। चलो चलते हैं हम वापस नीचे की ओर। ये पूरा गोवा का मैप लगा हुआ है यहाँ पे। ये कर्नाटका से लेके महाराष्ट्र के बीच में ये पूरा गोवा है हमारा, जिसमें जितनी भी सारी प्लेसेस है वो सारी लिखी हुई है यहाँ पे, कि कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर ये सारी प्लेसेस है। तो चलो हम चलते हैं नीचे की ओर। ये सारे म्यूजियम वाला पार्ट है इसका, क्योंकि यहीं से अपन स्टेट चढ़ के गए थे राइट से ऊपर। ये फोर्ट की सारी
ओल्ड पिक्चर्स है। तो यहाँ से हम जब ऊपर गए थे तब इधर राइट लेके गए थे, अब हम नीचे आ चुके हैं, एग्जिट जा रहे हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, जय हिंद।